हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू पीपल आर एब्सोल्युटली वेल। दिस इज सईद एंड यू आर वाचिंग लेक्चर सीरीज ऑफ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स ईटा। आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस से रिलेटेड एमसीक्यूज की सोल्यूशन करेंगे। डिफरेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं, हमने चंद एमसीक्यूज सेलेक्ट किए हैं। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, जब भी आप इस टाइप के एमसीक्यूज करते हैं सो आप डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन को देखा करें। लाइक दिस, नंबर फर्स्ट, 1 + 2 iota मल्टीप्लाइड बाई 1 - 2 iota इज इक्वल टू व्हाट। अब हम तीन तरह से इसकी सोल्यूशन कर सकते हैं कि आप मैन्युअली मल्टीप्लाई करें 1 को दोनों के साथ, 2 iota को दोनों के साथ, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करें। सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सो जो रिजल्ट आता है दैट इज जी एब्सोल्यूट होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज जी एंड दिस इज जी कंजुगेट। सो इसका क्या आएगा, बेसिकली हम इसका क्या लेंगे, जी एब्सोल्यूट होल स्क्वायर लेंगे। जी एब्सोल्यूट किसके इक्वल है, इसका एब्सोल्यूट ले लें, स्क्वायर रूट ऑफ 1² + 2² एंड होल स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर, ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, दिस इज 5। सो द बेस्ट पॉसिबल चॉइस इज 5। नेक्स्ट वन है, इफ z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई देन रियल ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट, देन z एब्सोल्यूट। अभी हमने रिसेंटली एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि नेगेटिव टाइम्स ऑफ z मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, लेस आर इक्वल टू रियल ऑफ z एंड दिस इज लेस आर इक्वल टू z एब्सोल्यूट आर z मॉडुलस। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि रियल ऑफ जी हमारे पास क्या है, दिस इज लेस आर इक्वल टू जी मॉडुलस है। सो बेस्ट पॉसिबल चॉइस हमारे पास क्या है, दिस इज द लेस आर इक्वल, मीन रियल ऑफ जी हमारे पास क्या होगा, लेस आर इक्वल टू जी मॉडुलस होगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यू है, एब्सोल्यूट ऑफ जी वन मल्टीप्लाई बाई जी टू इज इक्वल टू व्हाट। दिस इज बेसिकली द प्रॉपर्टी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जितनी भी जनरल प्रॉपर्टीज है इनके स्टेटमेंट्स आपको याद होने चाहिए, इट विल हेल्प यू टू सॉल्व वेरियस टाइप ऑफ एमसीक्यूज, और ये स्टेटमेंट भी एज एमसीक्यूज आ सकते हैं। सो ये हमारे पास क्या है, वी हैव अ नाइस प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस दैट मॉडुलस ऑफ जी वन मल्टीप्लाई बाई जी टू इज इक्वल टू जी वन मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई जी टू मॉडुलस। तो ये आपके पास क्या बनेगा, z1 वन मल्टीप्लाई बाई जी टू मॉडुलस इज इक्वल टू जी वन मॉडुलस एंड मल्टीप्लाइड बाई जी टू मॉडुलस। नेक्स्ट, इसी एम सी क्यूज को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, सो एक नया एम सी क्यू बनता है, इफ z1 वन मॉडुलस इज 5 एंड z2 टू मॉडुलस इज 3 देन वाट अबाउट मॉडुलस ऑफ z1 वन मल्टीप्लाई बाई जी टू। सो वही प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, एब्सोल्यूट ऑफ z1 वन मल्टीप्लाई बाई जी टू दिस इज व्हाट इज इक्वल टू जी वन मॉडुलस मल्टीप्लाई बाई जी टू मॉडुलस। अब जी वन मॉडुलस और जी टू मॉडुलस की वैल्यू हमें गिवन है, ये आप पुट कर दें, सो 5 × 3 आपके पास क्या बनेगा, 15 बनेगा। सो द बेस्ट पॉसिबल चॉइस इज जी वन मल्टीप्लाई बाई जी टू मॉडुलस इज इक्वल टू 15। दिस इज बेसिकली ऑप्शन नंबर बी। लास्ट वन एमसीक्यू है, z1 डिवाइड बाई जी टू मॉडुलस इज इक्वल टू व्हाट। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि z1 डिवाइड बाई जी टू मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, z1 मॉडुलस डिवाइडेड बाई z2 मॉडुलस के इक्वल होता है। सो द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इज z1 मॉडुलस डिवाइडेड बाई z2 मॉडुलस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।